200 दिन से ज्यादा की जंग ऐसा पहली बार हुआ है कि इजरायली सैनिकों को घेरकर हमास ने मारा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमास ने सुरंग में पहले इजरायली सैनिकों को घुसने दिया, फिर सुरंग को ही धमाके से उड़ा दिया, जिसमें कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। देखिए रिपोर्ट। मारे इजरायली सैनिक, हमास का खूनी हमला। हमास का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। 200 दिन की जंग के बाद एक बार फिर से इजरायली सैनिकों पर हमास ने बेहद खूनी और घातक हमला किया है। जरा इस वीडियो को देखिए। हमास के लड़ाके एक सुरंग से इजरायली सैनिक को घसीट कर बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। हमास ने अपने इस वीडियो में दावा किया है कि हमने सुरंग युद्ध में इजरायली सैनिकों को ना सिर्फ जान से मार डाला है, बल्कि कई इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया है, उनके हथियार भी जब्त कर लिए हैं। ये वीडियो उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप का बताया जा रहा है। हम आपको एक एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि आखिर हमास ने इजरायली सैनिकों को इतनी आसानी से कैसे मार डाला, क्योंकि इजरायली सैनिकों के पास ना सिर्फ घातक हथियार और हाई टेक्नोलॉजी मौजूद थी, बल्कि मरकावा टैंक और फुल बैकअप पीछे से मौजूद था। हमास के दर्जन भर लड़ाकों ने सबसे पहले जानबूझकर सुरंग में अपनी लोकेशन इजरायली सैनिकों को दिखा दी। जैसे इजरायली सैनिकों को लगा कि सुरंग के अंदर दर्जनों हमास के लड़ाके छिपे हैं, वो तुरंत घातक हथियारों के साथ सुरंग में घुस गए। सुरंग में इजरायली सेना की स्पेशल यूनिट के कमांडो घुसे थे। जैसे ही हमास का पीछा करते हुए इजरायली सैनिक सुरंग में घुसे, तभी सुरंग में हमास ने जोरदार धमाके कर दिए और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। हमास ने दावा किया है कि उसने इजरायल के कई सैनिकों को सुरंग में मार डाला है और इजरायल की स्पेशल फोर्स के कमांडोज को बंधक बना लिया है। अल कसम ब्रिगेड्स के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने कहा, हमारे लड़ाकों ने इजरायली सेना को लालच देकर एक सुरंग के अंदर हमला करवाया और फिर इजरायली सैनिकों को मार डाला। खून के आंसू रोए नेतन्याहू, 200 दिन बाद बदला। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजरायली सेना गाजा पट्टी को 80% तक तबाह कर चुकी है, लेकिन हमास के लड़ाकों को खत्म नहीं कर पाई है। हैरानी की बात तो यह है कि हमास के लड़ाके अब उन जगहों पर हमला कर रहे हैं जहां नेतन्याहू दुनिया के सामने दावे कर रहे थे कि उत्तरी गाजा और जबालिया इलाके से हमास के लड़ाकों का पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया है। लेकिन हकीकत में हमास के लड़ाके ना सिर्फ दक्षिणी गाजा के शहर रफा में हमले कर रहे हैं, बल्कि उत्तरी गाजा में भी इजरायली सेना पर रॉकेट लॉन्चर और हथियारों से हमले कर रहे हैं। कब्र से निकला हमास, जबालिया में फंसा इजरायल। इस वक्त इजरायली सैनिक रफा, उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा, गाजा सिटी और मध्य गाजा में जंग कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट्स साफ कह रहे हैं कि 200 दिन से ज्यादा की जंग के बाद इजरायल रफा में फंस गया है। जरा देखिए, हमास के लड़ाके हाथों में हथियार लिए एक बार फिर से इजरायल के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। जनाजे में उमड़ी भीड़ साबित कर रही है कि भले ही इजरायल 10,000 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को मार चुकी है, लेकिन हमास के लड़ाकों की संख्या में जरा भी कमी नहीं आई है। 6 मई 2024 से दक्षिणी गाजा के शहर रफा में इजरायली सेना ने हमले शुरू किए। रफा में 20 दिन से ज्यादा की भीषण जंग में इजरायल की आईडीएफ ने हमास के 70 ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजरायल की आईडीएफ ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने मरकावा टैंक और भारी हथियारों के साथ रफा में ग्राउंड ऑपरेशन किए हैं, जो सफल रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि इजरायल के इस ऑपरेशन में 50 से ज्यादा हमास लड़ाके पूर्वी रफा में मारे गए हैं। इसके अलावा हमास की दर्जनों सुरंगों को तबाह कर दिया गया है। इजरायल ने भीषण हमलों की वजह से रफा से 8 लाख फिलिस्तीनी भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन इतने भीषण खूनी हमले करने के बावजूद क्यों कहा जा रहा है कि रफा में इजरायल फंस गया है और हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर भारी पड़ने लगे हैं। हमास को जड़ से मिटाने की कसम खाए बैठे इजरायल ने गाजा पट्टी पर जबरदस्त तरीके से बमबारी की है। तास की रिपोर्ट के मुताबिक हमास पोलित ब्यूरो के सदस्य ओसामा हमदान ने बताया था कि 7 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2023 तक गाजा पर 35,000 टन विस्फोटकों से भरे बम गिराए गए हैं।
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमास को मिटाने के लिए इसराइल को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इधर तमाम दबावों के बावजूद नेतन्याहू रफा में खूनी जंग पर उतारू है। हमास की सशस्त्र शाखा एजेदीन अल कसम ब्रिगेड ने कहा है कि उसने इसराइल के अश्कलोन बंदरगाह की ओर रॉकेटों की बौछार की और उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर में एक इजरायली कमांडो सेंटर को निशाना बनाया। हमास का दावा है कि इसराइल के सबसे घातक मरकावा टैंक को तबाह कर रहा है। उनके दर्जनों सैनिकों को हफ्ते भर में मार चुका है। हमास के ये दावे साबित करते हैं कि हमास रफा में इजरायली सेना को अपने जाल में फंसा चुका है। हमास के दावे के मुताबिक इसराइल की तरफ से गिराए गए बम परमाणु बमों से होने वाले नुकसान से भी ज्यादा है। यूरोमेड मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक हमदान की बात सच भी साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से हुआ नुकसान 15,000 टन विस्फोटकों के बराबर होने वाली तबाही के समान था। ऐसे में गाजा पट्टी पर गिराए गए विस्फोटक परमाणु बम से भी 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। गाजा पट्टी की कुल आबादी 23 लाख है, जिसमें से 10 लाख के करीब अकेले इसकी राजधानी गाजा सिटी में रहते थे। गाजा सिटी पट्टी के उत्तरी हिस्से में मौजूद है, जहां इसराइल ने सबसे ज्यादा बमबारी की थी। इधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रफा में ऑपरेशन नकबा जैसी जंग शुरू कर रखी है, जिसकी वजह से 15 लाख फिलिस्तीनी रफा से भागने को मजबूर हो रहे हैं। गाजा युद्ध अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां लाशें गिनना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर 200 दिन की जंग के बाद भी हमास इजरायली सैनिकों को मारने और बंधक बनाने का दावा कैसे कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इजरायल को गाजा जंग बहुत भारी पड़ रही है? और ये तस्वीरें आपको दिखाई, और आगे भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से 200 दिन से ज़्यादा की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि इजरायली सैनिकों को घेरकर हमास ने मारा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमास ने सुरंग में पहले इजरायली सैनिकों को घुसने दिया और फिर सुरंग को ही धमाके से उड़ा दिया, जिसमें कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। ये पूरी खबर आपने देखी, पूरा पैकेज आपने देखा कि कहां कहां पर आखिर कैसी कैसी स्थिति बनी 200 दिन से ज़्यादा की जंग में। ऐसा पहली बार हुआ कि जब इजरायली सैनिकों को घेरकर हमास ने मारा है। इन तस्वीरों ने इजरायल में तूफान ला दिया है। गाजा के सुरंगों में घसीट कर ले जा रहे इजरायली सैनिक कोई आम फौजी नहीं है, ये इसराइल के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। ये है इसराइल के सील कमांडो, जिन्हें शायतेद-13 यूनिट के नाम से जाना जाता है। शायतेद-13 इसराइली नौसेना का ठीक वैसी ही कमांडो यूनिट है जैसे अमेरिका के सील कमांडो होते हैं। यह यूनिट इसराइल के इंटेलिजेंस ग्रुप शिन बेत के तहत ऑपरेट करती है। यही वजह है कि हमास के हमले ने शायतेद-13 कमांडो की पूरी टीम के रुतबे को चकनाचूर कर दिया है। पूरे इसराइल में ये वीडियो वायरल हो चुका है। इन तस्वीरों को देखकर नेतन्याहू के कैबिनेट में कोहराम मच गया है। जिस फोर्स को इसराइल की सबसे एलीट कमांडो यूनिट माना जाता था, उस पर हमास ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमला किया है। शायतेद-13 यूनिट पर हुए इस हमले में कितने कमांडो मारे गए, कितने कमांडो बंधक बने, इस पर पूरे इसराइल में खामोशी छाई हुई है। गाजा के शायतेद-13 का मारा जाना नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा सदमा है। हमास का दावा है कि उसने कई इजरायली कमांडो को बंधक बना लिया है। अब जबालिया में हमास और शायतेद-13 के बीच हुए इस एनकाउंटर की पुष्टि कैसे हो रही है, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इसराइल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि उसके सैनिक गाजा में हुई लड़ाई के दौरान बंधक बना लिए गए हैं। हमास ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उसके कमांडोज के कपड़ों और हथियारों में कई ऐसी चीजें हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इस एनकाउंटर में शायतेद-13 यूनिट शामिल थी। इसमें है चेक गणराज्य की बनी हुई स्कॉर्पियन ईओ राइफल, जो सिर्फ इसराइल की शायतेद-13 कमांडो यूनिट इस्तेमाल करती है। स्कॉर्पियन ईओ राइफल में आगे लगा है साइलेंसर, इसका इस्तेमाल भी इसराइल की सील कमांडो यूनिट यानी शायतेद-13 ही करती है। शायतेद-13 इसराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेत के तहत आती है और शिन बेत की रिपोर्टिंग इसराइल के प्रधानमंत्री यानी बेन्यामिन नेतन्याहू को है।
यानी अगर गाजा के जबालिया में शायद 13 को हमास ने घेर कर मारा है तो समझ लीजिए कि पूरे इजराइल और खासकर उनके कैबिनेट में सबसे बड़े टारगेट पर बेनियामिन नेतन्याहू ही होंगे। गाजा में युद्ध के दौरान फौज और खुफिया एजेंसियों पर पूरे कंट्रोल के लिए उसकी कामयाबी और उसकी नाकामी दोनों को लेकर इस वक्त नेतन्याहू कैबिनेट में बहुत बड़ी जंग चल रही है। एक तरफ गाजा की सड़कें नेतन्याहू के धमाके से दहल रही हैं, दूसरी तरफ इजराइल की सड़कों पर ऐसा हाहाकार मचा हुआ है कि नेतन्याहू की सत्ता डोल रही है। एक तरफ इजराइल गाजा पर लगातार बम गिरा रहा है तो दूसरी तरफ तेल अवीव की सड़कें नेतन्याहू के खिलाफ नारों से गूंज रही है। गाजा का युद्ध अब ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जब हमास से ज्यादा इजराइल की पब्लिक डरी हुई है। नेतन्याहू इन प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच विलन बन चुके हैं क्योंकि हमास तो सीज फायर के लिए तैयार है लेकिन इजराइल बमबारी रोकने के लिए राजी नहीं। पब्लिक के गुस्से का साइड इफेक्ट वॉर कैबिनेट में पहुंच गया है। इस प्रदर्शन और इस हंगामे के बीच इजराइल में सत्ता के गलियारों और बंद कमरों के बीच कुछ ऐसा हो रहा है जिसे दुनिया के सामने आने से रोका जा रहा है लेकिन इजराइल की मीडिया ने पर्दाफाश कर दिया है। इजराइल की मीडिया का दावा है कि इजराइल के वॉर कैबिनेट में बड़ा झगड़ा हो चुका है। जेरूसलम पोस्ट में जो खबर छपी है उससे लगता है कि प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के बीच हो गई तूतू मैं। टाइम्स ऑफ इजराइल में यह खबर छपी है कि मिलिट्री चीफ ने कहा है कि नेतन्याहू के पास गाजा को लेकर कोई नीति नहीं है। नेतन्याहू पब्लिक से लेकर अपने वॉर कैबिनेट तक घिर चुके हैं। कमांडर से लेकर मंत्री बता रहे हैं कि नेतन्याहू ब्लंडर कर रहे हैं। ये बात साफ कर दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट एक दूसरे के कड़े विरोधी माने जाते हैं लेकिन गाजा में युद्ध को लेकर दोनों करीब आए। हालांकि अब दोनों की दुश्मनी सतह पर आ चुकी है। जब से जबालिया में इजरायली सैनिकों को बंधक बनाए जाने की खबर फैली है लेबनान में जश्न मनाया जा रहा है। ये लेबनान की राजधानी बेरूत है और यहाँ लोग फिलिस्तीन का झंडा लेकर जुलूस निकाल रहे हैं। अब सवाल है कि इजरायल की पब्लिक क्या करेगी, क्या गाजा में युद्ध को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की लड़ाई सड़क पर पहुंच जाएगी या पहुंच चुकी है। अब शायद 13 यूनिट को गाजा में जो जख्म लगे हैं उसकी भरपाई कैसे होगी, ये दाग नेतन्याहू से कैसे हटेगा। सबसे बड़ा सच तो ये है कि करीब 250 दिनों से जारी युद्ध के बाद भी इजराइल अब तक हमास को खत्म नहीं कर पाया है। हालात ये हो गए हैं कि इजराइल दक्षिणी गाजा का पूरी तरह से सफाया करने पर उतारू है लेकिन अब तक उसके युद्ध वाले लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।